हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमरेन और मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्विमिंग का लर्निंग वीडियो, जिससे आप बहुत ही आसानी से स्विमिंग सीख सकते हैं। मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा, ये बताए हुए ट्रिक से आप जल्दी से जल्दी स्विमिंग सीख सकते हैं। आप जो कुछ स्टेप है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और उसे आप ध्यान से देखें और समझें, और फिर उसके बाद जाके आप इम्प्लीमेंट करें उसको। तो दोस्तों, मैं जैसे जैसे स्टेप बताऊँगा आप उसको ध्यान से देखिएगा कैसे मैं कर रहा हूँ, और उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा ही पानी से डरते हैं तो आप आराम से कम पानी में उतरें, और उतरने के बाद बॉल के सहारे आप बॉल के पास में ही रहें, कोशिश करें कि बॉल के पास में ही रहें। और सबसे जो फर्स्ट स्टेप है, उस फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा आपको, सबसे पहले शोल्डर डुबाइए, शोल्डर, ये शोल्डर डुबाने की कोशिश। जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है कि जो हाथ यहाँ पे वॉल पे रखना है, और जो एल्बो है, ये हमारा दोनों एल्बो है, ये एल्बो को इसमें टच करना है वॉल में, और ये जो एक पैर है, एक पैर आगे रखना है, ये ऐसे रखना है। फिर उसके बाद से क्या करना है, इस पैर को ऐसे उठा देना है, ऐसे पैर को उठाना है। ऐसे पैर को उठाने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये टो खींचा हुआ होना चाहिए, ये टो खींच के मार, हमारा पैर होगा वो ऐसे नहीं होगा। अगर ऐसे आप करते हैं तो ये कभी भी ऊपर आएगा नहीं। देखिए, मैं ऊपर कर रहा हूँ तो आएगा नहीं। अगर ऐसे आप करते हैं तो कभी भी ऊपर नहीं आएगा। अब बॉडी जो आप जितना लूज छोड़ सकें उतना बेटर है। बॉल को ऐसे पकड़े, और पकड़ने के बाद ऐसे एल्बो टच करें, और टच करने के बाद शोल्डर डाउन करें, शोल्डर डाउन करने के बाद ये पैर ऊपर करके और टो खींच के इसके बाद पैर को चलाना चालू करें। दोस्तों, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपका शोल्डर ये डाउन होना चाहिए, ये आप नोट करके रखिए, आपका शोल्डर कभी भी डाउन होगा। डाउन करने के बाद ये आपकी किसी ऐसे चलेगी, शोल्डर डाउन होना चाहिए। जब भी आपका शोल्डर ये आप रहेगा, ये नीचे भाग के जाएगा, ये नीचे भाग के जाएगा। तो क्या करना है आपको, शोल्डर डाउन रखना है, हल्का सा कमर अप रखना है, और ऐसे करना है। कभी भी आप ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे बहुत लोग ऐसे करते हैं जिसकी वजह से पैर अप नहीं आ पाता है। आपको कमर सीधा रखना है, कमर सीधा रखें और ऐसे किक करना है, ऐसे लाइक दिस। जैसे आप जितना ही किक करेंगे उतना ही आपकी बॉडी स्मूथ होगा। हम लोग किकिंग इसलिए कराते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप इसलिए होता है कि हमारा जो पैर जो होता है, हमारी बॉडी लेवल को यही पूरा संभालता है। जब तक हमारा पैर ऊपर नहीं आएगा तब तक हम स्विमिंग नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा किकबोर्ड से होगा। तो किकबोर्ड से कैसे करना है मैं वो आपको करके दिखाता हूँ, और कैसे करना है मैं ये भी बताता हूँ। पैड कैसे पकड़ना है आपको, और कैसे करना है, पैड ये आपका होगा, पैड ऐसे पकड़ना है। एल्बो जो होगा ये आपका स्ट्रेट होगा, ये एल्बो स्ट्रेट करना है, और स्ट्रेट करने के बाद से ये शोल्डर होगा, दोनों शोल्डर हमारा पानी के अंदर ये डाउन रहेगा, ऐसे डाउन करना है। उसके बाद से जैसे कि मैं ये तरीका बताया था, एक पैर ऊपर रखना है, और एक पैर ऊपर रखने के बाद से आप ऐसे जब आप स्टार्ट करने जाएंगे तो दूसरे पैर से हल्का धक्का मार के ऐसे स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी आपका किकिंग चलेगा वो पानी के ऊपर नहीं चलेगा। पानी के बहुत लोग पानी के बाहर ऐसे ऐसे मारते रहते हैं पैर मोड़ के, वो रॉन्ग है, और या तो पानी के नीचे भी गलत है। मेरा किकिंग आप देखें कितना लेवल पानी के लेवल में चल रहा है, ये परफेक्ट किक होता है, यही परफेक्ट किक होता है। अगर आप ऐसे करते हैं तो बहुत बेटर है। अगर आप पानी के ऊपर किक मारते हैं तो भी रॉन्ग है, पानी के नीचे मारते हैं तो भी रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग है। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आप कोशिश कीजिए कि आप वैसे करने, जैसे मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ कि जो किकिंग जो चलेगा हमारा वो किस लेवल पर चलेगा। आप ध्यान से देखिएगा कि मेरा पैर कैसे चल रहा है। जब भी हम पैर से कर रहे हैं ना तो हमारा बॉडी बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो कुछ ऐसे है, इसमें आपको क्या करना है, लॉन्ग ब्रीथ लेना, होल्ड करना है, और होल्ड करने के बाद पानी में जाना है, और छोड़ते हुए वापस आ जाना है।
देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसा कि देखा आपने, मैंने आपको करके दिखाया, ऐसे आपको ट्राई करना है। अगर आप पानी में सिर नहीं डुबा पाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ब्रीद लॉन्ग ब्रीद, थोड़ा सा ब्रीद लें और ब्रीद लेने के बाद होल्ड करें और होल्ड करने के बाद ऐसे जाएं पानी में। जो नेक्स्ट स्टेप है, इस स्टेप में करना क्या है, ये हाथ हमारा सीधा होगा और लॉन्ग ब्रीद लेके होल्ड करके हेड डाउन करना है। हेड डाउन करने के बाद क्या करना है, किक करना है, कंटिन्यू किक। उसके बाद से बाहर आना है, सांस छोड़ना है, फिर सांस लेना है, फिर डाउन हो जाना है। और जब भी हम बाहर आएंगे तो सांस छोड़ते हुए आएंगे और अल्टरनेट करते रहना, किकिंग हमारा चलते रहेगा, इसका एक्सरसाइज करना है जब तक कि हमारे इसमें पूरी हमारी बॉडी फ्लैट रहेगी ऐसे। तो देखा आपने, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम फिर से पैड पकड़ेंगे लेकिन हम दूसरे तरीके से करेंगे। वो कैसे करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें पैड ऐसे पकड़ना है इतना है बस। इसका लास्ट लेवल पकड़ना है, इस बार लास्ट लेवल पकड़ना है। लास्ट लेवल पकड़ने के बाद क्या करना है, एक पैर दीवार पर लगा लेना, एक पैर जमीन पर। उसके बाद से क्या करें, लॉन्ग ब्रीथ लेके और कोशिश करना है हल्का सा दीवार से पुश मार के, कोशिश करना है जिम करने के लिए हेड डाउन करके ऐसे। देखिए इसका हमें प्रैक्टिस करना है। और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसमें क्या करना है, हमें फ्लोटिंग करना है। फ्लोटिंग, तो फ्लोटिंग कैसे करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ, वैसे आपको फॉलो करना है। तो देखिए ऐसे आप एक पैर नीचे रखेंगे और दूसरा पैर दीवार में और दोनों हाथ को सीधा ऐसे सीधा रखें और दीवार से पुश करना है। लॉन्ग ब्रीथ लेके होल्ड करके हेड डाउन करके उसके बाद से दीवार से पुश करना है, उसके बाद से किकिंग करना है। दोनों हाथ ऐसे ही रहेगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो देखा आपने मैंने कैसे किया, सेम वैसे ही आपको करना है। नेक्स्ट स्टेप है, उसमें आपको बताऊंगा मैं हाथ चलाने के लिए कि कैसे हाथ चलाना है। इसमें आपको करना कैसे है, एक पैर नीचे रहेगा जमीन पे और दूसरा पैर जो होगा हमारा पीछे ये दीवार पे होगा और हाथ जो होगा हमारा आगे। और क्या करना है, जैसे मैंने फ्लोटिंग करके दिखाया था वैसे फ्लोटिंग करना है थोड़ी देर तक। उसके बाद से क्या करना है, हैंड मूवमेंट करना चालू कर देना है। हैंड मूवमेंट, फ्री स्टाइल हैंड मूवमेंट चालू करना है। उसमें हैंड मूवमेंट में क्या होगा, ये हमारा हाथ ऐसे चलेगा। तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ ऐसे करना है। दोस्तों हैंड रोटेशन करते समय सबसे ज़्यादा ये ध्यान देना है कि आपको ज़्यादा हाथ पटकना नहीं है और पैर टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलाना है, पानी के अंदर नीचे नहीं चलाना है, पानी के ऊपर नहीं चलाना है, घुटने को ज़्यादा बैंड नहीं करना है, हल्का सा बैंड करना है। कुछ लोग होते हैं जो हाथ केवल ज़बरदस्ती हाथ चलाते रहते हैं, पैर चलाते रहते हैं और आगे बढ़ते नहीं हैं, या तो पैर चलाते नहीं हैं हाथ चलाते रहते हैं, बॉडी नीचे ऐसे चल की जाती है, कुछ देर बाद खड़े हो जाते हैं। तो वो गलती आप लोग को नहीं करना है, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको करना। और जो हमारा लास्ट स्टेप जो होगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ब्रीद लेना है। बहुत लोगों को ब्रीद की दिक्कत होती है, ब्रीद नहीं ले पाते हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए मैं ब्रीद के भी बारे में बता रहा हूं कि कैसे ब्रीद लेना है। तो मैं आपको करके दिखाता हूं कि कैसे करना है।
स्टैंड कर ले रहे हैं आज, इसको ब्रीदिंग लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो आप सबसे ज़्यादा एक एक्सरसाइज करें, बबलिंग आप एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आप आपका ब्रीदिंग लेना सीख जाएंगे। और दूसरा चीज़ है, जो आप ब्रीदिंग नहीं ले पा रहे हैं उसके लिए जो एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो ऐसे करना है, इसके बाहर ही पानी के बाहर ही ऐसे एक्सरसाइज करें, जिससे आपको इसमें ऐसे ये हाथ पीछे रहेगा, ये हाथ ऐसे चला जाएगा, ये आप ऐसे जाओगे ऐसे करेंगे। और पानी में जाने के बाद जैसे स्विमिंग कर रहे हैं स्विमिंग करते उसके बाद से एक बार बाहर निकालना है, फिर उसके बाद से ये जब भी हमारा स्विमिंग होता है ऐसे होता है, ब्रीदिंग ऐसे ही होता है हमारा। और जो परफेक्ट जो फ्री स्टाइल जो होता है वो कैसे होता है वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मैं आप पूछ सकते हैं कि आपको किस प्रकार की हेल्प चाहिए और किस तरह की आपकी दिक्कत है जब आप स्विमिंग करते हैं, आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा कि कैसे करना है। जो भी आपको दिक्कत होती होगी स्विमिंग में वो मैं बता दूंगा कि आपको करना कैसे है। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आप जैसे कि हुआ डॉल्फिन या बैक स्ट्रोक या स्टार्ट, किसी प्रकार का रिलेटेड स्विमिंग से रिलेटेड आप सीखना चाहते हैं, मैं सारे चीज़ आपको मैं बता सकता हूं और मैं उसका वीडियो बना के आपको दिखा सकता हूं। जिस प्रकार का भी वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताएं, मैं कोशिश करूंगा उसको जल्दी से जल्दी अपलोड करने के लिए। थैंक यू।